बाइसेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट का कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कैसे काम किया जाता है। बहुत सारे व्यूअर जब हम फ्री में आपके लिए लाइव करते हैं तब वो समझ नहीं पाते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से सिग्नल में ट्रेड करना चाहिए और कौन से सिग्नल में ट्रेड नहीं करना चाहिए वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम आज उसके लिए फ्री में आपके लिए बताते हैं कि उसमें ट्रेड किसे कैसे किया जाता है। जब हम लाइव करते हैं तब आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए तो सॉफ्टवेयर का काम कैसे किया जाता है बताते हैं। जैसे कि ये कॉपर का चार्ट है, उसके अंदर आपको यहाँ ग्रीन कलर का बाई सिग्नल मिला है, तो बाई सिग्नल है वो हमारा परफेक्ट ट्रेड है, कंफर्म ट्रेड है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि बाई के पहले उसने एक ऊपर की साइड का ट्रायंगल लगाया है, यहाँ मैंने उसके ऊपर राउंड किया। अगर जब भी बाई सिग्नल बनता है तो बाई के पहले ऊपर की साइड का ट्रायंगल होना कंपलसरी है, अगर है तो ही हम बाई के अंदर काम करेंगे। सॉफ्टवेयर की कंडीशन है। यहाँ आपको आज मार्केट ओपन हुआ तब आपको बोला गया कि ये और ऊपर जाएगा, आप होल्ड रखिए। और सीट नंबर टू का भी हम वेरिफिकेशन लेते हैं। सीट नंबर टू में हमें यहाँ वाइट कलर की लाइन से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि मैं चार्ट को थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये रही वाइट कलर की लाइन, ये अगर इनसे ऊपर है, मार्केट उनसे ऊपर है, तो आपको मानना है कि ये जो बाई सिग्नल बना है वो डबल कन्फर्मेशन में है और वो अच्छी तरह से ऊपर जाएगा। दूसरा कोई हम चेक करते हैं, जैसे कि सिल्वर का चार्ट में लास्ट कितने इवेंट से बोल रहा हूँ, सिल्वर हमारा कंटिन्यू बाई में बन रहा है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए हमारा लास्ट इवेंट, हमने बहुत दिनों से बोल रहे कि बाई कंफर्म में है, यहाँ बाई दिया, कंफर्मेशन दिया, यहाँ आपको बाई दे दिया, मतलब कि ये सिग्नल कंफर्म हो गया। अब होल्ड कैसे करवाता है सॉफ्टवेयर? यहाँ आपको बोला कि और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए। यहाँ अगेन आपको बोला कि और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए। यहाँ अगेन आपको बोला गया कि और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए। तो सॉफ्टवेयर आपको जैसे जैसे ऊपर जाता है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है, तब तक आपको बोलता रहेगा कि और ऊपर जाएगा, होल्ड रखिए। अगर आप यहां से एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो जाइए, बाद में आपको दोबारा यहां से री एंट्री मिली, सेल के अंदर कंफर्मेशन हो गया, तो यहां से आप फिर से दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद दिखाते हैं गोल्ड। तो गोल्ड में भी ये सेल सिग्नल कंफर्म था, उसका रीज़न ये था कि सेल के पहले उसने डाउन साइड एरो डाला था, उसके बाद में बाई सिग्नल आया, तो बाई सिग्नल भी कंफर्म था क्योंकि बाई के पहले ये ऊपर की तरफ एरो था, अच्छी तरह से मार्केट ऊपर और नीचे गया। फेडरल बैंक के अंदर देख लेते हैं, तो फेडरल बैंक के अंदर भी देखिए बाई के पहले ये रहा ऊपर की साइड का एरो, ये बाई सिग्नल कंफर्म है इसलिए आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले का सेल सिग्नल है, सेल के पहले ये रहा डाउन साइड ब्लू कलर का ट्रायंगल। आगे जाते हैं इंडियन लैम्प। इंडियन लैम्प के अंदर आपको दिख रहा है बाई सिग्नल, बाई सिग्नल के पहले देखिए तो डबल ब्लू कलर का ट्रायंगल ऊपर की साइड एरो लगा हुआ है, डबल एरो है। यहाँ आपको बोल दिया गया कि एग्जिट हो जाए, तो मेनली बात है कि एग्जिट कहाँ पर करें, आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते दूसरे कोई भी इंडिकेटर के अंदर। यहाँ आपको एग्जिट का पॉइंट मिला है, आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ देखिए तो बाई सिग्नल मिला है, बाई सिग्नल के पहले ये रहा ब्लू कलर का ट्रायंगल और आज उसने यहाँ बोल दिया कि आप एग्जिट हो जाइए, अगर सेल सिग्नल आ गया तो वो अच्छी तरह से नीचे गिरेगा, सेल आ जाएगा। तो एनसीसी भी देख लेते हैं, तो एनसीसी के अंदर बाई सिग्नल देने के बाद अभी देखिए तो बोल रहा है कि एग्जिट कर लीजिए, दिख रहा है वैसी तरह उसके पहले का सेल सिग्नल था, वो देखिए तो सेल के पहले ये रहा एक डाउन साइड का कंफर्मेशन एरो, उसके बाद आपको यहाँ बोला गया कि और गिरेगा, होल्ड रखिए। यहाँ फिर से बोला गया कि और गिरेगा, होल्ड रखिए, और जैसे ही उसको लगा कि अब एग्जिट कर लेना चाहिए तो आपको यहाँ से एग्जिट करवा दिया। तो ऐसी तरह हमारा सॉफ्टवेयर आप काम करेगा। अगर फिर भी कुछ भी क्वेश्चन रहा तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम इस चैनल पर फ्री में आपको लाइव में बाय एंड सेल सिग्नल देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।